कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बहुत ज़ोरों की भूख लग रही होती है या बच्चों को भूख लग रही होती है और हम झटपट से कुछ चीज़ तैयार करना चाहते हैं तो जल्दी भी बन जाए, टेस्टी भी हो और हेल्दी भी हो, उसके साथ साथ पेट भी अच्छे से भर जाए। तो ये है सॉल्टी एंड स्पाइसी फ्रेंच टोस्ट। सबके अपने अपने तरीके होते हैं बनाने के, तो आज मैं आपको बताऊँगी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो इधर मैंने कुछ अंडे, ब्रेड और मसाले लिए हैं, नमक है, मिर्चें हैं और इटालियन सीजनिंग है। अगर आपके पास ये ना हो ना, आप इसकी जगह ओरिगानो और ब्लैक पेपर ले सकते हैं। अच्छा, ये दो अंडे हैं और मैंने दो ब्राउन ब्रेड्स लिए हैं। अगर आप चाहें तो दो ब्रेड्स की जगह तीन ब्रेड्स भी आप ले सकते हैं दो अंडों के लिए, लेकिन मैंने दो ही ब्रेड लिए हैं दो अंडों के लिए। इससे बहुत ही अच्छा फ्लफी मेरा फ्रेंच टोस्ट बनेगा। तो एक्चुअली मैं ये पहले बना चुकी थी, उसी वक्त ही ये मेरा सेकेंड बैच था, तो इसे मैंने शूट कर लिया। अच्छा, इधर मैंने डाला है 1/4 टीस्पून नमक और आधा चम्मच डाली है सीजनिंग और 1/4 टीस्पून डाली है इसमें लाल मिर्चें। बहुत अच्छे से फेंट लिया मैंने इसे, और फेंटने के बाद तवा है उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से गर्म होना चाहिए। मैंने ऑलिव ऑयल का यूज़ किया है, आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। अच्छे से मैंने अप्लाई कर लिया अपने दोनों ब्रेड्स पर इसको, और यकीन मानिए बहुत फ्लफी और बहुत मज़ेदार आपका फ्रेंच टोस्ट तैयार होगा। बच्चे तो बहुत ज़्यादा इसको पसंद करेंगे। और अब मैंने दोनों ब्रेड्स पर अप्लाई कर लिया है और मैंने अपने तवे का जो टेम्परेचर है उसे मेंटेन करके रखा है, बिल्कुल भी आँच को मैंने कम नहीं किया है, ताकि मेरे जो ब्रेड्स हैं वो अच्छे से सिक सकें। जैसे ही दोनों साइड्स पर कलर आ गया और अंडा अच्छे से फॉर्म हो गया यानी बाइंड हो गया, तभी मैंने आँच को बिल्कुल स्लो कर दिया और उनको अब मैं हल्की आँच पर पकाऊंगी। इससे ना बहुत अच्छे से फ्लफी बनेंगे और अंदर तक सिक जाएंगे। तो लगभग 10 मिनट लगे मुझे इनको सेकने में, और देखिए जब हमारे ब्रेड्स पर इस तरह से ब्राउनिंग स्पॉट्स आ जाएँ और आप इसको टच करके देखेंगे तो ये बाउंस बैक करेगा, समझ लिए आपका जो फ्रेंच टोस्ट है तैयार हो गए। और यकीन मानिए बच्चे से इतने शौक से खाएंगे आप। जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ पर इस तरह के सैंडविचेस की प्लेटिंग की जाती है, वैसे ही मैंने भी कोशिश की है, उसको ट्राइंगल में काटा है। मेरे पास कुछ सॉसेस के पाउचेस पड़े हुए थे टोमेटो सॉस के, तो मैंने उसके 3 डॉट्स एक जगह लगाए और उनको ज्वाइन कर दिया और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल मैंने उसको लुक दे दिया। इस तरह की प्लेटिंग से बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, उनको फैंसी लगता है सब। प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ग्रो कर सकूं। और अब मैं मिलूंगी आपसे इसी तरह के एक नई वीडियो के साथ। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।